एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम हाउस रियल्टी। माय नेम इज़ शाहिदा खान एंड हर बार की तरह इस बार भी मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पर कवर किया है। और स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। वीडियो बहुत छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है वो कवर करने वाली हूँ। आगे मैं आप लोगों को सैम्पल प्लाट भी दिखाने वाली हूँ। अगर आप मेरे जो है चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ नए नए प्रोजेक्ट की वो आपको जो है टाइमली उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मेरे वीडियो के थ्रू जो है आप डिसीजन ले सको कि आपको ये लोकेशन में और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको घर लेना है या नहीं लेना है। मैंने जो है मेरा नंबर भी वीडियो में दे दिया है, साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ। तो आपको और जो डिटेल्स लगेंगी आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फिर मुझे मेरे नंबर पर कॉल कीजिए ताकि इसकी जो भी डिटेल्स है और जो भी इसके PDF वगैरह है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ ताकि आप वहाँ से जो है और अच्छे से चेक करें। इसमें जो है 1 BHK एंड 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है और 1 BHK एंड 2 BHK में काफ़ी जो है आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एरिया वाइज, जिसमें आपको नॉर्मल 1 BHK है, 1 BHK प्लस टेरेस है, 2 BHK है, 2 BHK प्लस टेरेस है, तो इसमें एरिया वाइज जो है आपको कॉस्टिंग भी जाएगा। इसमें स्टार्टिंग 1 BHK का जो कॉस्टिंग है वो आपको ऑल इंक्लूसिव कुछ 36 लाख के, और आपको जो 2 BHK स्टार्टिंग जो ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट है वो कुछ 47 लाख के, और नेगोशिएबल है। बाकी जो भी डिटेल्स है कॉस्ट जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। सो अभी मैंने ये जो वीडियो दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने 1 BHK का एक सैम्पल फ्लैट है इस प्रोजेक्ट में जिसको मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर सारे फ्लैट एक्चुअली आपको सेम ही मिलेंगे जो 1 BHK 2 BHK में, सिर्फ साइज़ का आपको डिफरेंस आएगा। हाँ, जो 2 BHK में बड़े एरिया है उसमें आपको 2 टेरेस अवेलेबल हो जाता है, एक हॉल में मिलता है और एक आपको बेडरूम में मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर पहले 1 BHK को कवर किया है, इसके बाद हम आगे जो है 2 BHK भी देख लेंगे। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा है प्रोजेक्ट। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें टोटल आपको 19 बिल्डिंग्स है जो कि G+4 का स्टोरी है, और इसमें काफ़ी सारा जो है आपको एमिनिटीज़ वगैरह भी अवेलेबल है। सेपरेटली हर जगह पे जो है आपको क्लब हाउस दिया गया है, स्विमिंग पूल दिया गया है, और जो है गार्डन दिया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको दूंगी तो। तो अगर आपको जो है और डिटेल्स लगेंगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उस पर आपको जो है शेयर कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पर जो है वो 2 BHK का जो है फ्लैट यहाँ पर कवर किया है। सो आप देख सकते हो 2 BHK का जो फ्लैट है इस प्रोजेक्ट में आपको किस तरीके से मिलने वाला है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, काम बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ कबर्ड के लिए जो है साइड में इन्होंने जो है अलग से स्पेस उस तरीके का बना के दिया हुआ है। किचन काफ़ी बड़ा है, 2 प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, फुल टाइल्स आपको दिया गया है यहाँ पर, और विंडो दिया गया है ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर, कोई मतलब हवा आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम आपको ना हो उसमें किचन में। बाहर का भी जो आजू बाजू का सराउंडिंग है बहुत अच्छा है, नेचर जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुंबई गोवा हाईवे टच प्रोजेक्ट है, पनवेल स्टेशन से भी नज़दीक है, कुछ आपको 20 मिनट का ही ड्राइविंग डिस्टेंस लगता है। हाईवे टच प्रोजेक्ट होने की वजह से आपको जो है यहाँ पर शेयरिंग रिक्शा, बस, टैक्सी वगैरह सब अवेलेबल है स्टेशन के लिए, तो आपको जो है ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होगा यहाँ से। और ये प्रोजेक्ट भी जो है ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, जून तक जो है ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि इसका आपको पोजिशन मिल जाएगा June 2022। सो अगर आप जो है 1 BHK एंड 2 BHK जो है पनवेल में देख रहे हो और अच्छे लोकेशन में, अगर आपका बजट जो है 35-40 के बीच में है तो आप इस प्रोजेक्ट को जो है कंसिडर कर सकते हो अपने चेकलिस्ट में। इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए और देखिए, काफ़ी कुछ है प्रोजेक्ट में देखने के लिए और समझने के लिए। बट जैसे मैंने बोला मेरा वीडियो काफ़ी छोटा है, मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं बता सकती हूँ, तो या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार जो है पर्सनली इस प्रोजेक्ट में आइए और ख़ुद वहाँ पर जो है देखिए और क्या क्या आपको इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड हो रहा है, एमिनिटीज़ से लेके बाकी चीज़ों से लेके आप खुद एक बार आके जो है पर्सनली देख सकते हो।
ये वीडियो से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का आपको जो है यहाँ पर 1 BHK 2 BHK एंड जो बाहर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, क्या स्पेस है, रोड वगैरह कैसे इंटरनली अवेलेबल है, वो थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर जो है ये मैंने बेडरूम को कवर किया है, मास्टर बेडरूम है 2 BHK का। काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है बनाया है, 1 BHK 2 BHK स्पेस वगैरह बहुत है, एरिया काफ़ी अच्छा दिया है। नहीं तो एक एक प्रोजेक्ट में ऐसे कॉम्पैक्ट टाइप के आपको जो है किचन और बाथरूम मिल जाते हैं। इसमें देखिए ये जो है मैंने मास्टर बेडरूम यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसमें देखिए यहाँ पर ये टेरेस जो है अटैच है और काफ़ी बड़ा टेरेस है। आप आफ्टर उसी जो है टेरेस को आप आपके अकॉर्डिंग जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप चाहिए तो इसको जो है आप बेडरूम में इसको पूरा जो है अटैच करके ले सकते हो, या फिर आप इसको एक अच्छा खासा जो है आप यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो, आप चेयर वगैरह रख सकते हो। तो आपके ऊपर है जिस तरीके से आपको इस टेरेस का यूज़ करना है आप आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको हॉल में भी जो है एक टेरेस मिल जाता है, ये आपको जो है मास्टर बेडरूम में एक टेरेस है, ये 2 BHK का फ्लैट है। मैंने यहाँ पर सारे एंगल से आपको जो है दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको मेरे वीडियो के ही थ्रू थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि किस तरीके का यहाँ पर आपको जो है फ्लैट डिलीवर हो रहा है इनकी तरफ से। वैसे ही जो बिल्डर है काफ़ी पुराना है, इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं, और इस प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। ये यहाँ पर मैंने जो है बाथरूम को कवर किया है, ये आपको जो है मास्टर बेडरूम में जो बाथरूम है वो इस तरीके का आपको अवेलेबल रहेगा। और फिर यहाँ पर मैंने वापस से एक बार जो है बेडरूम को दिखाया है। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बार खुद आके आप पर्सनली यहाँ पर देखिए और प्रोजेक्ट की जो है और अच्छे से डिटेल्स लीजिए और डिसाइड कीजिए। थैंक यू सो मच।